Yeah, yeah, yeah. Bring it. खेलने वाला खेल रहेगा, रोकने वाला फेल रहेगा, जो ज्यादा मरोड़े मूछ चाट ले जाके भैंस की पूछ। सर हमारी कंपनी ने डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया, साथ में नील की डिब्बी फ्री है। बीवी से ऐसे मिलते, गले भले मिलो, प्यार से बात करो यार, ऐसे कैसे? नहीं, बैकस्टेज मिलते हैं हम। मेरा क्वेश्चन सर से है, सॉरी बैठ के क्वेश्चन याद आ जाएगा। जी। मेरा सर तो आपको ये इनके जो शॉक्स जो सर शॉक्स पहले न्यूज आई कि मारिया शारापोवा ने कहा है कि उनको नहीं पता सचिन तेंदुलकर कौन है। उससे एक चीज का फायदा हो गया कि कम से कम लोगों को यह पता चल गया कि मारिया शारापोवा कौन है। हालांकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लड़कों को यह पता था कि मारिया शारापोवा कौन है, यह भले ना पता हो कि क्या खेलती है, लेकिन यह जरूर पता था कि कैसी दिखती है, क्योंकि ये हमारे अंदर टैलेंट इतना है ना, 500 जोड़ी टांगों की देख के ना एक जोड़ी देख के बता सकते ये मारिया की है। और वाकई बाजी खेल के बिना तो जिंदगी अधूरी, और खास तौर पे बचपन अधूरा। बाजी बचपन में कितने प्यारे प्यारे खेल खेलते हैं बच्चे, लुका छिपी, खो खो, डॉक्टर डॉक्टर, ये बच्चे बड़े सयाने होते हैं, इनको पता होता है बड़े होकर डॉक्टर तो एक दो ही बनेंगे, बाकी सारे क्लर्क लगने हैं, तो अभी डॉक्टर बन जाओ। लेकिन लड़के क्रिएटिव बड़े होते हैं बाजी, इनको पता है गोल्फ खेलना अफोर्ड नहीं कर सकते तो देसी गोल्फ खेलते हैं। देसी गोल्फ पता ना आपको? देसी गोल्फ कौन सी होती है भाई? देसी गोल्फ होता है गड्ढा कंचे टक्का, देसी गोल्फ। अब मैंने कपिल पाजी को देखा है खेलते हुए, ये देसी गोल्फ कौन खेलता है? देसी गोल्फ हम देसी गोल्फ खेल के बड़े हुए। गोल्फ वैसे पाजी मेरे को ऐसे लगता है कि ये शायद ना थोड़ा आलसी गेम है। क्यों? आपने कभी देखो ना, आप बॉल रखते हैं वहां पे, हाँ, एक पहले तो 15-15 बार देखते हैं बॉल को ऐसे करके, फिर यू यू करते रहते कितनी देर। फिर बॉल को साइड से देखे, उसकी क्या कमर बाहर निकली हुई है, फिर यूं देखते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं, कोई नहीं है, फिर शॉट मारते हैं, और फिर वो गाड़ी होती ना जो जीप में बैठ के बॉल ढूंढने निकल जाते हैं, फिर आपसे पैदल नहीं चला जाता तो गड्ढा कहीं आसपास खोद लो आप, और फिर जब बॉल मिल जाती ना उसको फिर 15-15 बार देखते हैं। जैसे उनको शक होता है कि यार मैंने जो मारी थी वो कोई और थी, ये किसी और की पकड़ लाया मैं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि गोल्फ के प्लेयर अपनी बॉल ढूंढने गए और गड्ढे में हाथ डाला, बीच में से सांप निकला, कहता भाई किधर, ये छेद मैंने किया, तेरे वाला नहीं, चल निकल गड्ढे। पारी हमारे यहाँ गांव और शहर के खेलों में बड़ा फर्क होता है। आप देखिए शहरों में स्विमिंग पूल बने होते हैं, साथ में कोचिंग देने के लिए कोच होते हैं, गांव में देखो आप कोई पूल नहीं होता, नहर में चले जाए कोच के नाम पे भैंस की पूंछ। भैंस को पानी में डाला, पूंछ पकड़ के तैरना सीख गए। चेंजिंग रूम कोई होते नहीं, चार भैंसे खड़ी की उसके पीछे वो कपड़े चेंज कर लिए। लेकिन ये इतना इजी नहीं जितना बोलने में लग रहा है, क्योंकि आपको भैंस की मूवमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। इनके साथ पैंट पहन रहे हो, एक टांग पैंट में और भैंस इधर हो गई तो आदमी ऐसे से बदलता है, फिर भैंस इधर हो गई तो थोड़ा मुश्किल होता है। और शहरों में बच्चों को स्विमिंग इसलिए सिखाई जाती ताकि ओलंपिक में जाके मेडल ले आ सके, और गांव में इसलिए सिखाते हैं कि भैया कभी बाढ़ आए तो अपना अपना देख लो। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। पाजी इंडिया में क्रिकेट की बात करें तो कपड़े धोने का जिक्र ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने बचपन में दो काम जरूर करते हैं, एक वो जो कपड़े धोने वाली थापी होती है ना उसके साथ उससे क्रिकेट खेलते हैं, और उस चक्कर में अगर कहीं नंबर कम आ जाए तो उसी से फिर अपना काम भी होता है, माँ पीटती भी है बच्चों को। मैं जब बचपन में ऐसे थापी से खेलता था ना, मेरा भाई मेरी शिकायत कर देता था। लेकिन आज जो यहाँ पे गेस्ट आने वाले हैं, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के दो ऐसे दिग्गज प्लेयर जो भाई हैं
और इन्होंने कभी एक दूसरे की चुगली नहीं की बल्कि एक दूसरे का साथ दिया है. सो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका. एक तो वो है जिनकी बॉल में गजब की धार है और दूसरे वो हैं जिनकी बैटिंग बड़ी धुआंधार है. प्लीज वेलकम इरफान पठान एंड God bless you. पाजी यूसुफ और इरफान कितने रिलैक्स लग रहे हैं. इनको देख के लगता ही नहीं कि ये तांडव मचाते होंगे क्रिकेट के मैदान में. इनकी स्माइल पे मत जाइयो, ये गदाधारी भीम से ज्यादा तगड़े हैं. मारते कम है, घसीटते ज्यादा है. ठोको. यूसुफ इरफान आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में. और यूसुफ भाई सबसे पहले आपको ढेर सारी मुबारकबाद. अभी हाल ही में अप्रैल में यूसुफ जो है वो पापा बने हैं. इनके लिए जोरदार तालियां. एक बात की मैं गारंटी देता हूँ, वो बच्चा बड़ा ही होनहार निकलने वाला है क्योंकि अप्रैल में जन्मे बच्चे बड़े ही टैलेंटेड होते हैं. मी टू इज अप्रैल प्रोडक्शन. इरफान यूसुफ सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने क्रिकेट खेलना कौन सी उम्र में शुरू किया था. वैसे बताइए पहले इन्होंने शुरू किया था. बड़े भाई में हो ना इसलिए. हाँ तो अच्छा बड़े भाई ने पहले शुरुआत की थी. तो कब कब आपको पता चला कि आप में बैटिंग करने की क्षमता है और आप बैट्समैन बनने वाले हैं. तब पता चला तब ये बॉलिंग करता रहता था. मतलब इन्होंने बॉलिंग करनी शुरू की तब आपने बैट उठाया. बिल्कुल. अदरवाइज कोई इरादा नहीं था. नहीं, कोई इरादा नहीं था. बॉल आती देख के आपने कहा भी इसको रोकूंगा. इसको रोक लो. तो फिर आपने कैसे आप मतलब फिर... इसे बॉलिंग कर करके मेरी बॉलिंग बेहतर हुई तब जाके क्रिकेटर बना मैं. अच्छा. क्योंकि ये आउट ही नहीं होता था. क्योंकि आउट होने के बाद भी आउट नहीं होता था. बड़ा है ना. साइकिल जब चलाते थे तो इरफान ज्यादा साइकिल चलाते थे. तो मतलब ये बड़े भाई की दादागिरी थी. मतलब पैर मजबूत होने चाहिए ना. अच्छा साइकिल चलाएगा तो मजबूत होगा ना. अच्छा मतलब जब बाइक आया तो फिर नहीं चाहिए. अच्छा तब हाथ मजबूत कर रहे इसे कह रहे हैं. मतलब यूसुफ इतने सीधे नहीं जितने दिखते हैं. अंदर षड्यंत्रकारी हैं पूरे. बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना. अच्छा इरफान ऐसा होता है कि जब बचपन में बड़ा भाई कोई चीज करता है कोई काम करता है तो छोटे भाई हमेशा उनको कॉपी करते हैं. लेकिन इनके केस में बिल्कुल अलग है क्योंकि यूसुफ बैट्समैन है और इरफान जो है बॉलर है. तो ये इसकी वजह क्या थी. मतलब आप लोगों ने खुद ही चुन लिया था कि नहीं भाई मैं बैट्समैन बनूंगा एक दूसरे को कॉम्पिटिशन नहीं देना तो तुम बॉलर बन जाओ. ऐसा कुछ था. नहीं नहीं इतना ज्यादा लंबा सोचा नहीं था. बस खेलते थे. नहीं नहीं खेलते थे सिर्फ क्योंकि एंजॉय के लिए खेलते थे और साथ में मस्जिद में रहते थे तो वहां पे कोई खेलने के लिए कोई दूसरी और जगह है भी नहीं. तो फिर कहां पे प्रैक्टिस करते थे आप. ऊपर एक कमरा खाली था जहाँ पे पहले मदरसा हुआ करता था. वो कमरा बहुत बरसों से बंद था. अच्छा. जहाँ पे वहां पे कहते थे कि सिर्फ जिन्नात रहते हैं. जिनी रहते ना जिनी. ऐसे सुनने में आता था लेकिन हम फिर भी हिम्मत करके चले जाते थे क्योंकि कोई और जगह बची नहीं होती थी तो वहीं पे खेलते थे. क्या वो कमरे में जिन तो पक्का रहते होंगे. उसके बाद में उस कमरे से ऐसे दो जिन्नाद आए जिन्होंने धड़ाधड़ नेरी जिनके ना मानी पंजाबी में आंधियां लादी इंडियन क्रिकेट में. खैर अभी हम लोग यूसुफ और इरफान से ढेर सारी बातें करेंगे. पाजी आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए. जोरदार तालियां दोनों के लिए. यूसुफ भाई आप अभी इतने रिलैक्स लग रहे हैं मुझे और रियल लाइफ में है भी. लेकिन मैदान में जाके आपको क्या हो जाता है कि 15 बॉल में 50 37 बॉल में सेंचुरी. किस चीज की जल्दी बाहर कोई वेट कर रहा होता आपसे. नहीं पता नहीं यार नेचुरल है मेरा. वो बस उसी तरह पहले से खेलता आया हूँ और बड़ा मजा आता है जब पिटाई होती है बॉलर्स की. आप कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे इस बयान पे. नहीं मुझे लगता है कि इसे जल्दी तो होती है. किसी इंसानों से मिलने के नहीं लेकिन इनको जानवरों का बड़ा शौक है. अच्छा. हाँ उनके उनके जो पेट्स रहते हैं बकरियाँ घोड़े जानवर. अच्छा इतने सारे जानवर रखे हुए हैं. बहुत सारे. अच्छा. हाँ घोड़ियाँ क्या घोड़े बकरियाँ. अच्छा
सही है यूसुफ भाई, कहाँ पे रखे हैं आपने अपने घर पे ही कोई जगह बनाई ऐसे? हाँ, घर पे भी है, फार्म पे भी है। अच्छा। और कभी कभी हमें लगता है कि ये इंसानों से कम जानवरों से ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि आपको अगर देखेंगे वहाँ पे उनके पास जाके आधे आधे घंटे बैठे रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्या बात करते हैं, लेकिन जरूर बैठे हुए होते हैं। तो यूसुफ भाई, क्या किस तरीके की बातें करते हैं आप हमसे या जानवरों से? नहीं नहीं, उन जानवरों से जो आप, ये अच्छी बात है पाजी कि जानवरों से प्यार करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और इवन आई एम अ डॉग लवर सर, मेरे को भी जानवर बड़े अच्छे लगते हैं। तो जानवरों का प्यार जो है ना वो बगैर शर्त के होता है, इंसान से बेहतर। बिल्कुल सही कहा पाजी आपने, पर वही तो यूसुफ भाई, आपने क्या क्या बकरियां भी रखी हुई हैं, मुर्गियां भी रखी, मैंने सुना आपने, और क्या क्या है आपके फार्म हाउस में? मेरे पास पैरट्स है और बहुत सारे ऐसे जानवर है जिनके साथ मैं टाइम बिताता हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। जब स्ट्रेस में होता हूँ तो उनके साथ बैठता हूँ, बात नहीं कर सकते वो, लेकिन उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है और काफ़ी रिलैक्स फील करता हूँ टाइम पे। अरे क्या बात। इरफान एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने टेस्ट के पहले ही ओवर में हैट्रिक मारी थी, तो बाहर ऐसा कुछ हुआ था जो जाके आपने एकदम से खुन्नस निकाली पाकिस्तानी बैट्समैन के ऊपर? उससे पहले दो मैचों में काफी हंगामा चल रहा था, बिकॉज परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था दोनों टीम का, दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ चली गई थी जी, और उसमें काफी आर्गुमेंट्स फाइट्स वगैरह भी हुई थी सामने टीम वाले प्लेयर्स के साथ, शोएब के साथ, अफरीदी के साथ, रजाक के साथ, तो काफी मतलब इवन फ्लाइट में भी हम लोग लड़ रहे थे, इतना आर्गुमेंट चल रहा था, लेकिन हेल्दी आर्गुमेंट्स। हां मतलब प्यार वाला जी जी, कोई ऐसे जैसे मियां बीवी में होता है। अच्छा, मतलब छोड़ के समझाओ ना, इस लड़ाई में मियां कौन है और बीवी कौन है? तो फिर जब आर्गुमेंट्स हुए, फिर आपने सोचा कि नहीं यार इस मैच में तो कुछ करना पड़ेगा, वन साइडेड है। हाँ, बस वो खुन्नस में खेल रहा था और थोड़ा सा प्रेशर भी था, क्योंकि काफी लोग बात भी कर रहे थे कि इरफान अच्छा नहीं कर रहा, विकेट निकालना चाहिए, जबकि फ्लैट विकेट थे, 600 रन उस सीरीज में हो रहे थे जी, तो बस जुनून भी था कि भाई विकेट निकालनी हो। लकीली से कंडीशन भी काफी अच्छे थे, पहले बॉलिंग भी आ गया और बॉल अच्छा स्विंग हो रहा था और मिलती गई विकेट 3 बॉल में। क्या बात है, ये जज्बा होना चाहिए सर। अच्छा पाजी, बचपन में अक्सर देखा गया कि जब दो भाई हैं इकट्ठे पढ़ाई कर रहे हैं, इकट्ठे खेलते हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी होती हैं, मीठी मीठी लड़ाइयाँ होती हैं, कभी खिलौनों को लेकर, या तो आप में भी होती थी कि आपके पास अपना अपना सामान होता था कि नहीं तू मेरे खिलौनों को हाथ नहीं लगाएगा, मैं तेरे खिलौनों को हाथ नहीं लगाऊंगा? सामान होगा तो लड़ाई होगी ना, सामान ही ढूंढ के लाना पड़ता था, सामान ही बना लेते थे अपना जी, सामान ही अपना बना लेते थे। क्रिकेट का बैट बनाते तो हम लोग जो बॉक्स आते फ्रूट्स के, तो उसकी एक पट्टी निकाल के उसी को बैट बना लेते थे, झगड़ा होगा ही कहाँ पे। ये बड़े गर्व की बात है पाजी कि जिन हालातों में इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और आज जिस मुकाम पे है, जोरदार तालियां। अच्छा पाजी, 15-20 साल पहले जब इतने सारे चैनल्स भी नहीं थे और इतना इनकरेज भी नहीं किया जाता था बच्चों को, माँ बाप हमेशा बोलते थे कि आप लोग अच्छा खेल कूद बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, तो आपकी फैमिली में भी ऐसा होता था कि आपको इनकरेज करते थे आपकी फैमिली वाले? नहीं, हम लोग लकी रहे, हमारे पेरेंट्स हमेशा हमको इनकरेज करते थे, कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि कभी कोई प्रॉब्लम दी उन्होंने। जो भी हमारी सिचुएशन थी, खुदा का शुक्र है बड़ी अच्छी, जो भी सिचुएशन थी कभी कोई कंप्लेन हमें होने नहीं दी, ना हमने कभी कंप्लेन की, तो क्रिकेट भी खेलने दिया हमें, पढ़ाई भी करवाई, बहुत मेहनत की पापा ने, दो जगह काम करते थे, मस्जिद में भी और फैक्ट्री में भी, तो ऐसी कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं आई ना कभी उन्होंने रुका हमें। अरे वाह, यही है ना कि पाजी जब आप दिल से कोई काम करना चाहते हो तो हालात कैसे भी हों फिर ऊपर वाला जरूर सुनता है। और कहते हैं कि इंसान के अज़्म और हिम्मत का जब दूर किनारा होता है, तूफान में डूबी कश्ती का भगवान सहारा। अरे वाह क्या बात है। माँ बाप को भी पता होता है ना पाजी कि हमारे बच्चे हैं अच्छा ही काम कर रहे हैं, कोई कक्कर खेल रहे हैं। हाँ। कई बच्चे होते ना खेलने जाते, लड़ाया मैंने मार दिया बैट ने मेरे को, ऐसा कर रहा था। वैसे नहीं थे, पता था कि डेडिकेशन के साथ खेल रहे हैं, एक दिन जरूर माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और आज उन्होंने किया भी है। अच्छा इरफान और यूसुफ, आप दोनों ही बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन आपके पापा, आपके वालिद साहब, दोनों में से किसको बेहतर क्रिकेटर मानते हैं? वो एक्चुअली हमेशा से दोनों की तरफ जवाब देके चले जाते हैं, खड़े नहीं रहते। डिप्लोमेटिक पापा, बहुत बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक। मेरी बहन डिप्लोमेटिक नहीं है, वो हमेशा यूसुफ को सपोर्ट करती है। अच्छा। और मेरी माँ जुबान से नहीं कहती, बॉडी लैंग्वेज से मुझसे सपोर्ट करती है, बॉडी लैंग्वेज से मुझे बता देती कि मैं तेरे तरफ हूँ। यूसुफ, कभी ऐसा भी होता है कि आप
दोनों अलग अलग टीम की तरफ से खेल रहे हो डोमेस्टिक मैचेस या कोई और, तो वहां पे कभी इरफान ने आपको बॉलिंग में आउट कर दिया हो तो आपने वहीं पे घूरा हो या घर जाने का इंतजार करते, ऐसा भी कभी कुछ हुआ है? ऐसा हुआ कभी? नहीं, एक्चुअली डोमेस्टिक मैच में तो हम लोग अगेंस्ट नहीं खेलते क्योंकि एक ही टीम से खेले हुए रणजी ट्रॉफी और जो भी क्लब मैचेस एक ही टीम से खेले हुए। हाँ बिल्कुल, आईपीएल में हम लोग अगेंस्ट में खेलते हैं और वो टाइम पे तो आगे फिर इरफान बताएं। दो बार ऐसा किस्सा हुआ है जहाँ पे मैंने इसको कैच आउट किया है, 2 साल पहले मुझे याद है, जब वो कैच आउट किया मैंने कैच पकड़ लिया, इसने ऊपर शॉट मारा, मैं ही खड़ा हुआ था, 2 प्लेयर भी थे वहां पे लेकिन कोई भागा नहीं, मुझे ऐसे दिख रहा है अरे भाग लो भाई, नहीं तो मुझे भागना पड़ेगा। तो मैं भागा और मैंने कैच पकड़ा, बड़ा डिफिकल्ट कैच था, और जब आउट होते हुए जाते हुए मैंने इसको ऐसे डर के ना देखा, ऐसे गुस्से में लाल पड़ा हुआ था, कहता है। और लास्ट ईयर अभी जब हम लोग लास्ट ईयर आईपीएल खेले तभी की बात है, एक उसने आते ही पहले बॉल में मुझे चौका मारा और जब दूसरा बॉल मैंने स्लो रन फेंका, बॉल थोड़ा ग्रिप हुआ, मुझे लगा एज लगी है, मुझे लगा आउट ही कर दूं, बीट हो गया, आउट कर लूं। देखो मुझे पता था मुझे अपील तो करनी है, तो मुझे एक्चुअली नहीं पता, मुझे पता था कि आउट नहीं है, तो भी मैंने बिना बात के फालतू की अपील किया, वाज दैट। सो भाई साहब बड़े गुस्से हो गए, रन लेने के बाद ना मेरे पास आए, कहते एक काम कर बैट ले ले, ऐसे ही आउट कर ले मेरे को, तू वैसे आउट करने वाला नहीं। ये बड़ी स्वीट मोमेंट है और एक हेल्दी स्पोर्ट्समैनशिप भी है, चाहे सामने भाई खड़ा है लेकिन अपना चीज नहीं छोड़नी, अपील कर दो कोई नहीं, भाई होगा घर होगा, अच्छी बात है ये। वही अंपायर ने अगर आउट दे दी तो बोलेगा मेरा क्या कसूर है, अंपायर ने आउट दिया तुझे गलत, मुझे क्या है। और यूसुफ तो है भी थोड़े शाही, बोलेंगे भी नहीं, अगर अंपायर ने बोल भी दिया तो आगे से बहस भी नहीं करेंगे। अच्छा चलो आपको तो कुछ नहीं कह सकते, इरफान तेरे को घर जाके देखूंगा। अच्छा आपने सिर्फ क्रिकेट का शौक ही कॉमन है या कुछ और भी हॉबीज हैं आपकी जो मिलती हैं? कभी थोड़ी बहुत गेम खेल लेते, टेबल टेनिस खेलते साथ में। अच्छा। और एक्चुअली ज्यादा शौक हमारे एक जैसे नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ना मुझे जुल्म सहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्हें जानवर का शौक है तो मुझे जाना पड़ता है पीछे पीछे, तो कभी मुझे पुश करके जाएंगे कि भाई चल आ जाए यहाँ पे देखते, ये अच्छा जानवर आया हुआ है, कोई बकरी आई हुई है, बकरा आया हुआ है, बड़ा अलग टाइप का है, तुझे देखेंगे, तुझे दिखाता हूँ मैं तुझे, ये जबरदस्त चीज है। और फिर प्लांटेशन का बड़ा शौक है तो मुझे प्लांटेशन दिखाने ले जाते हैं और उस टाइम बड़ा जुल्म होता है। और अगर कभी रूम हम लोगों ने शेयर कर लिया एक साथ, कभी मैचेस खेलते तो टीवी चैनल पे सिवाय एनिमल प्लैनेट्स के कुछ और नहीं दिखता। टीवी चल रहा होगा, एनिमल प्लैनेट्स दिखा रहे होंगे भाई भाभी को कि देखो ये जानवर ये वो, तो सुन रहे होंगे, तो भाभी धीरे से ना पीछे मुड़ के थकेंगे, भाई मुझे यहाँ से ले जाओ। अच्छा ये सब बता दिया, जब फ्रूट्स आते हैं उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं तब क्या करता है तू? देखिए उसमें हमारे में कहते हैं कि अगर आप किसी के घर जाओ ना या कोई भी चीज है उसका खाने जाओ तो पूरा खाना खाओ, उसका हक अदा करो जी, किसी भी चीज का। तो अगर ये प्लांटेशन करेंगे, कोई चीज लाएंगे, फ्रूट्स आएंगे, अगर कोई खाएगा नहीं तो उसका हक कौन अदा करेगा? तो, और फिर कंप्लेन भी करना है। तो मुझे तो उसका हक अदा करना है। तो आपको इनके ये जो शौक है वो कभी कभी आपको लगता है कि हाँ इनकी वजह से मुझे भी करने पड़ते हैं, इनके कौन से ऐसे शौक है जो आपको लगता है कि आपको इतने पसंद नहीं है लेकिन भाई की वजह से करने पड़ते हैं? बोलता बड़ा है। बहुत बात करता है तो कभी कभी बात करनी भी पड़ती है और सुननी भी पड़ती है। तो कोई ऐसी एक चीज जो आपको लगता है कि यार ये इरफान की चीज मुझे अच्छी नहीं लगती? याल्ला ऐसा तो कुछ नहीं है, उसकी हर चीज अच्छी लगती है, भाई मेरा छोटा और जो भी करे, नादानी में करे, जानबूझ के करे, मुझे हर चीज इसकी अच्छी लगती है। स्वीट। मतलब भाई ने बोल दिया नादान है, ये बोल दिया बातों बातों में, बातों बातों है नादान है, बोलता बड़ा है, उसका फायदा है कमेंटेटर बनेगा बाद में।
पाजी के साथ। पाजी जरूरी थोड़ी ना सिर्फ जो बोलते हैं वही कमेंटेटर बने। हमने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते थे, आज बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं। अबे तेरी आजी। वो किस्से तो हमने भी सुने। हाँ बिल्कुल। अभी सिद्धू पाजू का आपने देखा था स्क्रीन पे? बाद में एकदम से ही पैकेज निकला पूरा, सरप्राइज पैकेज। Good, how are you? Very good. कहाँ से आ रही हूँ? मैं अपने घर से आ रही हूँ। मैं यहाँ बैठा मेहनत करता रहता हूँ, ये जब देखो मुंह उठा के अपने मायके चली जाती है। एक सेकंड, मेहनत? ये जो मुंह से बोलते रहते हो पप्पा पप्पा, इसे मेहनत कहते हैं? और नहीं तो क्या, मेहनत ही होती है। मुंह से बोलना मेहनत नहीं होती, लेकिन फिर भी देख लो फायदा इसको हो रहा है। मुंह से मेहनत मैं करता हूँ, होठ इसके बड़े होते जा रहे हैं। पाजी इनसे बस बातें बनवा लो, कुछ नहीं होता इनसे। अपनी तरफ से तो मैचिंग करके आती है, मेरे को दूर से देख के लगा डिटर्जेंट पाउडर बेचने में ले आई। डोंट बोर नहीं आता सर, हमारी कंपनी ने डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया, साथ में नील की डिब्बी फ्री है। सिर्फ बातें बना लो और कुछ नहीं होता। कुछ तो बनाता हूँ ना, उस दिन मैंने इसका पराठा बना दिया, इसने बासी रोटी जैसा मुंह बना लिया। कुछ नहीं बनाती है। पाजी, उस दिन वो शेफ विकास खन्ना आए थे ना, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बिल्कुल बटर नान जैसी दिखती हूँ। अबे जली हुई रोटी को पिज्जा समझ के खाने वालों, तुम्हें पता भी है बटर नान क्या होता है? देखा कभी करीब से? झूठ बोल रही है। मेरा भाई रोज जाता है और मैं रोज खाती हूँ। ओके मैं बताऊँ कौन सा नान लाता था इसका भाई? खुल के बता। शादियों में से नॉर्मल नान चुराता था, पीछे हलवाई बात होता था, इधर बनियान में डाल लेता था और भाग के जाता था। वो जो लगता था फिर उसको बटर बोलते ये लोग। स्वेटिंग स्वेटिंग बटर नान। आप ना झूठा इल्जाम लगा रहे मेरे भाई पर। अच्छा इल्जाम का इसको पता है, उस बात का कोई दुख नहीं जो इतने साल गलत बटर खाते रहे आप। आपको बड़ी पहचान है ना असली बटर की? हाँ पाजी, शादी से पहले ये सारे लोग जो है ना डबल रोटी भी ग्रीस लगाकर खाते थे। सबके सब। चलो इनको तो पता ही यहाँ पे आगे चला कि डबल रोटी किसको कहते, नहीं तो इनके पिताजी ने इनको पता क्या बताया था? रोटी को डबल करो तो डबल रोटी कहते हैं। पागल कहेंगे। फिर से पापा को बीच में ले आए। तुम्हारे पापा रहते बीच में, मैं क्या करूं? इनका घर देख लो आप, एक तरफ गंदा नाला, एक तरफ शुरू शौचालय। मैंने कहा जगह क्यों नहीं चेंज कर लेते? कहते मेरे से फ्रेश हवा सूट नहीं करती मेरे को। ये हरकतें जो करते हैं। तुम भी इतनी पटर पटर करती रहते ना पाजी, ऐसे लगता है किसी ने जनरेटर चला के रख दिया है। ये मोमबत्ती जैसे मुंह से ना जनरेटर लफ्ज अच्छा नहीं लगता। शट अप। एक दिन ना आपने बर्थडे पे 10 जुगनू पकड़ के ले आई अपने घर में छोड़ दिए, कहते आज हमने डिस्को लाइट लगवाई है। चुप रहेंगे, इतने अच्छे मेहमान हैं, मैं दो चार बातें कर लूं इनसे, कोई प्रॉब्लम है आपको? उनको नहीं ना करनी आपसे। आपने पूछा इनसे? चल ठीक है कर लो बातें। नहीं नहीं जरूर करेंगे बात, ऐसी क्या बात है। इरफान मुझे आपकी बॉलिंग बड़ी पसंद है, आप मुझे ये बताइए कि आप जो बॉल को रिवर्स स्विंग कैसे कराते हैं? हाउ डू यू डू दैट? मार्टिन क्रो। बड़ी भी नहीं, आप खेलने का प्लान कर रही हैं, आप इसलिए पूछ रही हैं या कुछ जानना है सिर्फ? नहीं मतलब कभी अगर रिवर्स स्विंग करके किसी का मुंह तोड़ दूं तो आइडिया खराब नहीं है पाजी? उसके लिए मैं आपको बाउंसर सिखाऊंगा। हाँ, जो सीधा सर पे जाता है। अरे परफेक्ट। कोई ऐसी बॉल भी होती कि किसी की बीवी लौकी जैसी हो और उसको कुछ मतलब? तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, सारा क्रेडिट मत लिया करो ऐसे। चलो ठीक है, मेहमानों से बातें करो। ऑफ स्विंग रिवर्स कैसे करते? वाह भाई। तो यूसुफ, मैंने आपको जितनी बार भी देखा ना, मुझे लगता है बड़े डेंजरस बैट्समैन हो। ये चाकू लेके बैटिंग करते हैं? ये जो तुम्हारी बीच में टांग लड़ाने की आदत है ना, मैं चाकू लेके ना तुम्हारे अंदर घुसा दूं मैं। अरे मुंह ही चाकू जैसा, यही घुसा दूं। लंबे लंबे
सिक्सेस मारते ना आपको बेचारे बॉलर्स पे तरस नहीं आता? बेचारे बॉलर्स मतलब ये जब बेचारे सिक्सेस मारते हैं नहीं? आज तक मैं 7 साल आईपीएल में खेला उनके सामने, इन्होंने मुझे छक्का नहीं मारा है, लेकिन मैंने इनको सिक्स मारा हुआ है, इनको मारा हुआ है। मतलब लकीली मैं बच गया अभी तक तो, अभी आगे का पता नहीं। मेरे को तरस आ रहा तेरी अकल पे, तू क्या क्रिकेट की नॉलेज दिखा रही है यहाँ पे आगे लोगों के सामने कि मेरे को बड़ी क्रिकेट की नॉलेज है। तो पर्सनल बात करना, तेरे को क्या लेना देना क्रिकेट से? पर्सनल बात ठीक है, वैसे आप दोनों भाइयों का प्यार देख ना मुझे अपनी बहनों की याद आ गई। हम बहनों में भी इतना ही प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। पता फर्क सिर्फ इतना कि आप दो भाई हैं, तीन बहनें हैं, एक डिपर मारती रहती है, एक बीच में से गंजी है। वो ट्यूबलाइट खाने के कर्तव्य दिखाती सर्कस में। आपको मेरे फैमिली वालों के बारे में कोई अच्छाई नजर नहीं आती कभी भी? ये अच्छाइयां ही थी, बुराई बताता हूं मैं आपको। ये जो मैंने तीसरी बहन का जिक्र किया ना, वो बेसिकली भाई है, उसको बहन बनके अच्छा लगता है। उसको बहन बनके घूमना अच्छा लगता है। शर्मा जी आप जरा अंदर आइएगा, भाई बहन में फर्क क्या होता है वो मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। बिल्कुल ठीक। बेसिकली दे आर 4 सिस्टर्स, मैं इनका मेंशन करना भूल गया। खैर ऐसे ही आगे डिस्टर्ब करने आगे अपनी बातें करते हैं। अच्छा इरफान भाई, जैसे आपने बताया कि आपके वालिद साहब जो हैं वो काफी इंटरेस्ट लेते हैं आपकी गेम में और आपके साथ ट्रैवल भी करते हैं कभी कभी, तो तकरीबन हर मैच में जाते हैं या कभी कभार? नहीं, रणजी ट्रॉफी रहा तो हर मैच देखते हैं, स्पेशली जो बड़ौदा में होता है। हम दोनों भाई को बचपन से मतलब अंडर 15 से लेके अभी तक सारे मैचेस देखते हैं। और बाहर जाना हो तो इंग्लैंड लेके गए उनको, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान लेके गए। अच्छा, तो जाते जितना हो सकता है वो काफी इंटरेस्ट लेते हैं, उनको मजा आता है देखने में। अच्छा, स्पेशली ट्रैवल करने में बहुत सारे किस्से भी होते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं। कैसे मतलब? एक बार किस्सा होता है जब पाकिस्तान में शुरू में जब मैं खेलने गया था पहली बार, तब मुझे याद है जावेद मियादाद ने उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मेरे बारे में। जी जी जी, क्योंकि इंडिया आ रही थी, माइंड गेम थोड़ा चल रहा था। जी जी जी, तो उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया कि भाई इरफान जैसे बॉलर हमारे यहाँ गली गली में पैदा होते हैं। जी, तो वो बात हो गई थी। अब मेरे वालिद को वो बात बड़ी बुरी लगी थी, तो उनको पाकिस्तान लेके गया मैं। मैंने कहा था कि अगर कहीं जावेद मियादाद मिल जाए तो उनसे कोई बात मत करना। अच्छा। बुरा लग रहा है, ठीक है, वो तो एक नॉर्मल सी चीज है। सीरीज स्टार्ट हुई, खत्म हुई, हम लोग सीरीज जीत गए, वनडे भी सीरीज जीते थे, टेस्ट सीरीज भी जीते थे जी। और जावेद मियादाद साहब कोचिंग कर रहे थे पाकिस्तान टीम। अच्छा। को तो आखिर में वालिद साहब आए मैच जीतने के बाद ड्रेसिंग रूम में, मुझे कहते हैं मुझे जावेद मियादाद से मिलना है। मैं क्या, आपको क्यों मिलना है, क्यों बात करनी है उस बारे में? कहते नहीं नहीं मुझे मिलना है, बड़े अच्छे प्लेयर थे। ठीक है, वो गए मिलने के लिए, मैनेजर को बोला तो वो लेके गए उनको। तो जैसे उन्होंने जावेद मियादाद साहब ने मेरे वालिद को देखा तो खड़े हो गए, कहते मैं कुछ नहीं बोला इरफान के बारे में। और तो वालिद साहब ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ आपको ऐसे ही मिलने आया हूँ, कि ऐसी कोई उस बारे में बात ही नहीं करता। आज वो खुद ही अंदर से होता है शायद इस वजह से आए मिलने। हाँ, फिर वापस आके मुझे कहते मैंने काम कर लिया तेरा। तो मेरे ख्याल से कभी अफरीदी ने भी मेरे ख्याल से आपके वालिद साहब को कुछ कहा था कि ये इरफान थोड़ा बिगड़ गया है, इसकी शादी कर दो, ऐसा कुछ तो हुआ था। हाँ, और मेरे वालिद साहब ने जवाब दिया था उनको बहुत जबरदस्त। जयपुर में मैच था 2008 में। जी, तो जयपुर की जो होटल है वहाँ पे सारे मतलब एक ही फ्लोर पे रहते हैं, बड़ी होटल है। तो अफरीदी अपने रूम में जाते जाते ना, मेरा रूम खुला हुआ था, मेरे वालिद वालिदा मेरे कजिन भाई वगैरह सब बैठे हुए थे। तो वालिद को देख के ना वो मिलने आ गए। तो अफरीदी कहते मेरे वालिद को इरफान की शादी करा दो, सुधर जाएगा इरफान। तो वालिद ने उन्हें एक सेकंड देखा और कहते हैं तुम्हारी शादी हुई तुम सुधरे हो? अच्छा, यूसुफ भाई शादी के बाद सुधरे या पहले से सुधरे हुए थे? वो बेचारा शरीफ आदमी, अल्लाह की गाय है। अल्लाह की गाय। खैर ये तो बाजी बात होगी दूसरी टीम के प्लेयर्स की, उनके साथ कैसा इनका नोकझोंक चलती रहती है। अपने प्लेयर्स के बारे में कुछ बताइए अपनी टीम के, क्योंकि पिछले दिनों यूवी आए थे, भजी आए थे, उन्होंने काफी पोल खोले इधर उधर के। सो मैं चाहता हूँ एक आध तो आप भी कोई किस्सा शेयर करें हमारे साथ। मतलब इंडिया के लिए आप कह रहे हैं कि मैं यूवी या भजी के बारे में कुछ बोलूं? हाँ। मैं ये किस्सा अगर बताऊंगा यूवी मुझे मार देगा, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके बता देता हूँ। एक बार हम लोग आई थिंक बॉम्बे में थे, तो यूवी को एक लड़की पसंद थी। अच्छा, और एक तो, पर यूवी के पास ना उसका नंबर नहीं था। अच्छा, तो हम ऐसे ही गपशप लगा रहे थे, इधर उधर की बात होती है, मतलब लड़के भी गपशप लगाते गॉसिप करते हैं। जी जी,
तो यूं ही मुझे कह रहा था कि इसका नंबर लेना है, बात करनी है उससे, बड़ी अच्छी लड़की लग रही है, स्वीट सी है. ऐसे करके बात खत्म हो गई. लेकिन मैंने फिर कहा कि मैं जा रहा हूँ कल, मैं फोन करूंगा आपको, मेरा नंबर चेंज हुआ है. अच्छा. तो बोले ठीक है चल कल बात करते हैं, मुझे कुछ काम है. ऐसे करके नेक्स्ट डे मैंने फोन लगाया नए नंबर से, उन्होंने फोन उठाया नहीं. नेक्स्ट सेकंड मैंने मैसेज डाला कि हाय दिस इज, वो लड़की का नाम लिख दिया. अच्छा. मैं बात कर रही हूँ, प्लीज कॉल मी बैक. नेक्स्ट सेकंड कॉल आया. फिशिंग. यू भी कहता है कि हाँ कैसी है. मैं कहा मैं कैसी नहीं हूँ, कैसा हूँ. ऐसे एक एक करके हमने सारे पोल खोल दिए. पर चलिए अच्छी बात है बाजी, यंग लड़के हैं, बैचलर तो बनता है. यूसुफ भाई तो अब हो गए शादीशुदा, बाकी आप लगे रहो. अच्छा है. पर जैसे हम लोग आपसे ढेर सारी बातें कर रहे हैं, आपसे और चीजें जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, वैसे ही हमारे बहुत सारे यहाँ पे दर्शक हैं जो आपके फैंस हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं. सबसे पहले कौन आ रहे हैं? यो यूसुफ से, इरफान से बात करना चाहते हैं. जी भाई साहब. हेलो कपिल जी. हेलो सुतपा जी, क्या हाल चाल है गुरु? ये मेरे को राणा तुंगा जैसे लगे पुराने वाले जो पहले होते थे ना. जी सर. कपिल जी मेरा नाम अनुज श्रीवास्तव है. अनुज श्रीवास्तव. जी सर. श्रीवास्तव दिल्ली से आया हूं. स्वागत है सर. और आपके शो के लिए मुझे बहुत बड़ी सैक्रिफाइस करनी पड़ी. सैक्रिफाइस मतलब? यहाँ पर आने का अरेंजमेंट मेरे ब्रदर लॉ ने कराया, और उन्होंने कहा कि मुझे, मैं कपिल का शो जब भी अटेंड कर सकता हूँ जब मैं अपना तंबाकू छोड़ दूँ. मेरे को एक महीने से मैंने तंबाकू नहीं खाया आपके शो में आने के चक्कर में. अरे क्या बात है. तो क्रेडिट तो अच्छी बात है ना, कोई अच्छी चीज ही हुई ना. यस कपिल, मेरा सवाल इरफान भाई से है. इरफान जी मैं आपका बड़ा फैन हूँ और यूसुफ साहब का भी, लेकिन एक चीज मैंने नोट करी अभी भी कि आप जो है बड़े बिंदास से हैं और ये बड़े थोड़े हिचक से और शाय से हैं. आप इनकी हिचक खोल क्यों नहीं देते हैं? जाते जाते यूसुफ भाई खुल जाएंगे, मेरे को पूरा भरोसा है. जी सर. ये ग्राउंड में ना बॉलर को देख के खुल जाते हैं. नहीं सर, आज आपको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा. आप दो गाने की लाइनें गाइए और ये इसको रिपीट करेंगे. मैं ये चाहता हूँ बॉस, मैं आपका बड़ा जबरदस्त फैन हूँ. ऐसे कर सकते हैं तो गवाही यार. जी सर. यार ये तो मैं भी सुनना चाहता हूँ. कोई ऐसा गाना गा लो जंगल के सारे जानवर आ जाए यार. अच्छा एक एक प्रॉमिस करिए आप. जी. आज से आने वाले वक्त में आप नहीं खाएंगे तब यूसुफ भाई गाना गाएंगे, क्योंकि आज तक यूसुफ भाई ने गाना नहीं गाया. प्रॉमिस करिए. नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं नहीं खाऊंगा आगे से. कोशिश चलिए बढ़िया. आगे से ये हुई ना बात. गवाह हो गया. जी बुला लिया आके. यार पक्के हो तुम्हें? जी जी बहुत जिद्दी आदमी हूँ. जिद्दी आदमी. चलो यार आपकी भी ख्वाहिश पूरी कर देंगे फिर. गाओ. मुझे गाना ही है. चलो गाई लेते हैं. गाई लेते हैं. हाँ. बुला भी चौदहवीं का चांद. चौदहवीं का चांद भी गा सकते हैं. आपकी फरमाइश सर. आंखों पर गर्मा गर्म गाना पेश है आपके लिए. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया. गुलाबी आंखें तेरी देखी गुलाबी क्या. देख लो सर, आज तक यूसुफ भाई ने कभी गाना नहीं गाया था, लेकिन आपकी फरमाइश के लिए उन्होंने गा दिया. जोरदार तालियां आप भी बजाइए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं अपनी तरफ से गाना सजेस्ट कर सकता हूँ? किन की तरफ से? अपनी तरफ से गाना. इरफान भाई को किन से गवा तुम तो ये ही गाना गाया करो, खाई के पान बनारस वाला. बोलो बोलो भैया बोलो. बोलो बताओ बताओ कौन सा गाना. मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का है सर. मेरे महबूब कयामत हो गई. या मेरे. मैं भी गाता हूँ. हेलो ये स्केल दे रहा.
शुक्रिया भाई साहब, आपने यूसुफ भाई को आज काफी अच्छा खोला आपने उनसे गाना सुन के। तो आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं? जी सर। कहाँ है आपकी फैमिली? मेरी फैमिली आगे बैठी है सर। कहाँ? आपने तंबाकू छोड़ दिया, अभी भी आपको पीछे बिठाते अभी भी उन्हें छा गए। जी तो दिल्ली में कहाँ रहते भाई साहब आप? मैं दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, पटपड़गंज में, आनंद विहार के पास रहता हूँ सर। ईस्ट दिल्ली में, पटपड़गंज में, आनंद विहार में। चलिए अच्छा, दिल्ली में मौसम अच्छा है अभी? दिल्ली में बारिश के पूरे पूरे चांसेस है लेकिन हो नहीं रही। पर सर आप बड़े बड़े खुश मिजाज आदमी है, अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। जी और कोई हमारे दोस्त जो यूसुफ से, इरफान से बात करना चाहते हैं? जी भाई साहब खुल के करियो गुरु। हेलो कपिल सर। हेलो सिद्धू पाजी। तो ज्यादा ही खुल गया। हाँ सर, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। और पहला तो सवाल है मुझे मेरा यूसुफ भाई से करना है। जी यूसुफ भाई, आपके फेवरेट जो एक्टर है जो शाहरुख खान है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनका एक कौन सा भी मूवी का डायलॉग्स आप यहाँ पे पेश कीजिए, बस पेश कीजिए। बनती है सर, बात बनती है भैया, सब कुछ पेश ही करना है मुझे आज। ये भाई ऑडियंस ना हमारी ऐसी है कि जो आदमी ज्यादा सीधा ना उसके पीछे ज्यादा पड़ते हैं। ऑडियंस ही नहीं, सारे लोग ऐसे होते हैं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सर और एक रिक्वेस्ट है सर, सर मुझे डांस करना है आपके साथ, डांस करना है। शाहरुख जी का जो भी मूवी का कौन सा भी सॉन्ग हो उसके ऊपर आपके साथ, मतलब मेरे को डांस करना है सर। हो जाए डांस बनता है, एक डांस बनता है सर। अच्छा शाहरुख साहब के गाने पे आपने इनके साथ डांस करना है, आप अपने आप को काजोल समझते हैं? मैं अपने आप को सबसे ज्यादा, ए ये मीठा शरारती है, सबसे ज्यादा खुश हो रहा है इरफान। बिल्कुल आ जा गुरु, आ जा आ जा, जामुन लग रहा, तू जामुन से करवाएगा भाई। डांस ही अच्छा करेगा, डांस करवाओ इसे। ऐसे खड़ा हो जा, ऐसे आ जाओ सर, ऐसे करके खड़ा हो जा, आ जा। मैं तो साइड में खड़ा हो जा। आप कहाँ नाचते नाचते आपके पैसे गिर रहे थे क्या बीच में? आप है ना बीच में ऐसे मूड चेंज होता था आपका, कहाँ पे तो गिर गए। आप एक एक स्टेप कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरे को खराब करो सर। जरूर जरूर, है ना, मूंछों को थोड़ा। थैंक यू ब्रदर, थैंक्स। जी और कोई हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हैं यूसुफ से, इरफान से? जी भाई साहब। हेलो कपिल जी। हाय। हेलो सिद्धू जी। क्या हाल ग्रुप? यूसुफ जी, इरफान जी। कपिल जी, आपने जैसे कहा कि हाल ही में अभी कुछ क्रिकेटर्स आए थे और आज में आए हैं, पाजी तो है ही, बात सबको आपने क्लीन बोल्ड किया, तो मैं चाहूंगा ये दोनों भाई आज मिलके आपकी जरा क्रिकेट की नॉलेज टेस्ट करें। मेरी क्रिकेट की नॉलेज? मुझे बहुत नॉलेज है क्रिकेट की, पूछो आप क्या पूछना चाहते हो बताओ। सर फाइन लेग का सर फील्डर किस तरफ होता है? मैं इसका इसका तरीका बताता हूँ, आप चाहते हैं हम लोग इनसे सवाल पूछे ना? बिल्कुल। रुकिए एक मिनट, बॉल और बैट है, बॉल और बैट सामान है आपके पास क्रिकेट? हाँ हाँ, बड़ा सॉरी। दीजिए बॉल, दीजिए इसको फाइन लेग के साथ साथ ना शॉर्ट लेग भी पूछना।
सब सब कुछ पूछते हैं। अब सपोज ये बैट्समैन है, ठीक है, इस तरफ सपोज नहीं, ही इज अ बैट्समैन, इतनी पिच है, सामने बैट्समैन होता है, एक बॉलर यहाँ से बॉलिंग करता है, ठीक है, अब मुझे मैं बॉल डाला, अब मुझे बताओ बॉल फाइन लेग में गया, फाइन लेग कहाँ है? फाइन लेग ऐसे मतलब लेडीज क्रिकेट टीम हो तो मैं बता सकता हूँ। उसको शॉर्ट लेग पूछ और सिली पॉइंट पूछ। हाँ सिली तो मैं हूं। मैं बताता हूं आपको, अगर शॉर्ट इधर लगा तो आई थिंक दैट इज फाइन लेग। किधर 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 लेकिन इधर लगा तो किधर मतलब इधर इधर खड़े हो जाओ फाइन लेग पे खड़ा हूं मुझे ऐसा लग रहा है। Actually, yes, I'm not standing on both my legs. That is not fine. No, seriously, fine leg. मतलब किधर होता है? Fine leg उस तरफ होता है, पीछे जहाँ पे जो बंदे बैठे हो क्या वो? वो वही तो मैंने बताया था। नहीं, आपने ऐसे करके बोल दिया। सर, मैंने कहा इधर। तो मैंने आप ही के उधर कहा था। आपने अच्छा, okay, okay. अच्छा, तो ये बता, silly point क्या होता है? हाँ, silly point. We'll tell you later. अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछे? हाँ पूछ ले, अब कसर कोई छोड़ मत। सपोज आप अगर अंपायर है, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा, ये अंपायर आ जाए जी, ठीक है, यूसुफ भाई गेंद खेल रहे, बॉलर ने बॉल डाला, गेंद मिस हो गई, ठीक है, लेकिन कभी कभी ना बैट्समैन भाग जाता है रन लेने, हाँ, उसे क्या कहेंगे? पागलपंती हुई। तो वो स्कोर तो गिना जाता है ना, स्कोर गिना जाता है, लेकिन उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे किस्मत कि बॉल लगी नहीं फिर भी स्कोर मिल गए। असली जीटी हुआ है तो गिरा तो भी टांग ऊपर है तेरी। मैंने सही चीज दिल से जवाब दिया भाई। बॉल लगी नहीं फिर भी रन मिल गए तो किस्मत ही कहेंगे आप? तो स्कोरिंग बुक में क्या लिखेंगे? लेट्स चेंज द टॉपिक। कपिल, सच्ची आज तेरा कसूर नहीं है, तेरा दिन ही नहीं है आज। कम से कम आज तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये शो भले मैंने प्रोड्यूस किया है, लेकिन जिन्होंने मुझे प्रोड्यूस किया है वो भी यहाँ पे आई हुई है, मेरी मम्मी जी। मम्मी वैसे मेरी रोज इज्जत होती है, आज ही थोड़ी हो रही बेइज्जती। कभी कभी होता है। नेले पे दला पड़ गया आज। क्या करते हैं आप? सर स्टूडेंट हूँ। यही सब सिखाते हैं आपको? मेरे भाई यार मुझे फंसा दिया। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मेरी बेइज्जती करवाने के लिए। थैंक यू सर। ठीक है, लेकिन मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट है। क्या? मैं चाहता हूँ कि आप जो आपकी जो प्यारी सी जो चुम्मी है ना वो इनको दें। दादी वाली कमाल है, खुद पीठ साफ करके आया है और मुझे बोलता है इसे दे दो। वेरी नॉटी, वेरी नॉटी। वैसे तुम लोगों को दे
देख के ना दिल खुश हो गया. एक्चुअली क्या है ना, बैठो ना, बैठो बैठो, बैठ के बात करते, थक जाती हो, थोड़ी सी उम्र हो गई ना. एक्चुअली क्या है ना, तुम दोनों को देख के ना मुझे मेरी जवानी याद आ गई. हाँ, जवानी में ना मैं ऑलराउंडर हुआ करती थी. मैं तो इतनी बड़ी स्पोर्ट्स वुमन थी ना, तुम्हें पता है ओलंपिक में 2 बार दौड़ी मशाल लेकर, भागी थी मैं. ये सच्ची बात है, इनको जेल भी हुई क्योंकि मशाल लेके आपको बड़ी वाली मशाल जलानी होती है. इसने उसकी आग बुझा के कुप्पी बेच दी बाहर. Why don't you just shut up? You're not taking my sports seriously, Bittu. इसकी बातों पे ध्यान मत दो. दादी आपने क्रिकेट खेला है? अरे मैं तो रोज खेलती हूँ गली में. तुम्हें पता है मैं इतनी बड़ी स्पोर्ट्स वुमन हूँ, इतनी बड़ी स्पोर्ट्स वुमन हूँ कि मैंने ना स्पोर्ट्स के चक्कर में ना अपनी खुद की स्पोर्ट्स की अकेडमी खोल रखी है. मैंने इसको आज तक बियर की बोतल खोलने के अलावा कुछ नहीं बोलते देखा. एकेडमी कब खोल दी तूने? Don't mix my passion with hobby, okay? बात करता है. तू मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता ना? मैं तुम लोगों को अपने एकेडमी के सबसे यंगेस्ट प्लेयर से मिलाती हूँ. उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि कितना ढासू काम किया है मैंने. बुलाओ? नहीं, पहले इसे तो कोचिंग दे दो. किस चीज की कोचिंग देती है आप? बोलिंग, बैटिंग, टिप्स? तुम लोग खुल के बताओ किस में चाहिए कोचिंग. रुक जा इरफान, रुक जा. मैं अपने स्टूडेंट को बुलाती हूँ, यंगेस्ट प्लेयर को. चड्डी, चड्डी क्या है? चड्डी. दादी ये तो चड्डा साहब है. ओए शर्मा जी, शर्मा जी सुना है आपको यहाँ पठान बंधु आए. ये तेरी एकेडमी का जवान प्लेयर है? ऑफ कोर्स यंगेस्ट. अरे क्या ढासू प्लेयर है ये. तुम्हें पता है यूसुफ, जब ये अपना बल्ला उठाता ना, लोग चिल्लाते आग लगा दे, आग लगा दे, आग लगा दे, आग लगा दे. तो ये ऐसी बात नहीं है, कोई भी चीज उठाते हैं तो हाथ में दो पत्थर पकड़ो ना, तब भी लोग बोलते आग निकालते हैं. हिलते रहते ना तो पत्थर रगड़ते हैं. क्योंकि मुझे सर्दी थोड़ी ज्यादा लगती है. सर्दी ज्यादा लगती है तो कहीं जाके बिजली पैदा करो, जाके हाथ इतना ही लाते. ये लो सिद्धू जी, खुद तो एक बच्चा पैदा नहीं किया अब तक और इसे कह रहा बिजली पैदा करो. दादी ये तो हर बात में बीच में बच्चा क्यों घुसेड़ देती है? बीच बीच में दारू की बात क्यों करता है? बहस नहीं करनी, बहस नहीं करनी. हाथापाई करो, इधर आकर ये लड़ा रहा है हमको. चड्डी यार, यूसुफ आया है, इरफान आया, मुझे बात तो करने दो उनके साथ. आपको पता है मैं आपके वालिद साहब के साथ मैच खेला था एक जवानी के दिनों में. हाय 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 हाय, क्या टक्कर का मैच था. चड्डा साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं, उनके वालिद साहब क्रिकेट खेलते ही नहीं. तो मैं भी सांप सीढ़ी की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट की थोड़ी कर रहा हूँ. सीरियसली ये ना सांप सीढ़ी का बहुत बड़ा चैंपियन है. एक्चुअली क्या है, सांप सीढ़ी में ना खेलने के लिए डाइस को ऐसे ऐसे हिला के फेंकना पड़ता है ना, इसका ऑटोमेटिकली हिलता रहता है. चड्डा साहब मेरी बात सुनो, ये सांप सीढ़ी छोड़ो, कभी कोई फिजिकली कोई गेम खेली आपने कि नहीं? मैंने फिजिकली गेम खेली है. जिमनास्टिक में जमीन को छुए बिना 720 डिग्री पे घूम लेता था. ये झूट बोल रहे हैं चड्डा साहब, 360 डिग्री होता है, 720 कौन होता है? नहीं वो तब होता है जब गेम अपने हाथ में हो. जब सामने वाला पहलवान आपको पकड़ कर 2 बार हवा में घुमाए फिर 720 डिग्री होता है. मेरी बात सुनो, आप ऐसा नहीं समझना कि मैं कमजोर आदमी हूँ, पंजे का तो मैं मास्टर रहा हूँ. हाँ बिल्कुल सिद्धू साहब. अच्छा। मैं तो आज भी पंजा किसी के साथ लड़ा लूँ ना तो कोई मुझसे जीत नहीं सकता. यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ के साथ लड़ा पंजा. इनसे 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 इन क्या पंजा लड़ाना है? कम ऑन चड्डी. आपको पता ये क्या हो रहा है? फोन आ रहा ना आपका. सारी दुनिया को पता चल गया, आपको पता नहीं चला कि मेरा फोन आ चुका है. नहीं फोन फोन कोई नहीं आया, पंजा लड़ा के जाओ. फोन आ गया इधर, पंजा लड़ा के जाओ. नहीं नहीं नहीं, देखो ज्यादा चड्डा चड्डा कर ले, खुद आकर लगा लो पंजा सेल पे. चड्डा चड्डा कोई नहीं, हाथ टूट जाएगा ना तो फोन स्पीकर फोन में सुन लेना. देखो बिट्टू शर्मा, देखो मेरी बात, फोन आ गया, फोन बड़ा अर्जेंट है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है फोन है, मेरे को सुनना पड़ेगा. चड्डी वेट चड्डी. और नहीं हाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बाय. सब
थी। ये शागिर्द तेरी एकेडमी के? ये एवरेज वाला था, बेस्ट तो अभी आएगी। बुलाओ बुलाओ बुलाओ। रुको, आ जाओ। अरे बेटा उसी की तो प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। एक्चुअली क्या ना, मैं पंखड़ी को लाठी चलाना सिखा रही हूँ। फिलहाल वो अकेली है ना, इसलिए दोनों हाथ का इस्तेमाल कर रही है। मतलब एक से अटैक, दूसरे से डिफेंस। अटैक डिफेंस, अटैक डिफेंस, अटैक डिफेंस। और चलिए एक बार जरा मेहमानों से मुलाकात तो करूंगा बेटा। बेटा यूसुफ, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? बड़ा इरफान, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? मैं आप लोगों का इस घर में स्वागत है, लेकिन साथ साथ मैं आपको एक चेतावनी देना चाहती हूँ। मैं दे देता हूँ, आप 10 मिनट दूर रह के बात करें इनसे। इनकी बुखार नहीं है तो कपड़े गीले करेंगी आपके ये। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई नहीं। देखिए आप बैठिए, बैठिए आराम से बैठिए। देखिए मेरे थूक के बारे में आप कुछ ना कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी थूक की वजह से मतलब लाखों करोड़ों का ऐसा लेन देन देखा है मेरे थूक ने। मैं आपको बता रही हूँ, बैंक में मुझे जॉब मिला सिर्फ मुंह खोल के बैठने का। कैशियर अंगूठा मेरे मुंह में ऐसा जीप पे लगा दे। मैंने जीप ने जितनी कमाई की है उतने आपके पूरे परिवार ने मिलकर कमाई नहीं की होगी। 500 रुपीज पर डे। नौकरी छोड़ी क्यों तूने? छोड़नी थी तो और क्या करती? नोट इतना जबरदस्त तरीके से जुड़ जाते थे, फिर फटके ही निकलते थे। शेन वॉटसन, नाम सुना होगा, शेन वॉटसन खिलाड़ी, नाम सुना होगा आपने। उसने सामने से मेरी जीप किराए पे मुझसे मांगी थी, मैंने मना कर दिया। हाय हाय, उसे तेरी जीप की क्यों जरूरत पड़ गई? अरे इतना महंगा खिलाड़ी बॉल पे थूक लगाने के लिए अपनी जीप का इस्तेमाल करेगा? लेकिन मैं भी ठहरी देशभक्त। मैंने कहा विदेशी खिलाड़ी, फॉरेनर खिलाड़ी को मैं अपनी जीप किराए पे क्यों दूं? दादी ये तेरी स्टूडेंट इधर खेल रहे हैं कि थूकने आई है? कौन सी गेम खेलती, कौन सी गेम की चैंपियन है, बता रहे इनको? अरे मैं खेलती हूँ। क्या खेलती हो? खो खो। हर समय ना खो खो बोल के गला साफ करने को खो खो नहीं बोलते। ये तो वही बात हो गई कि नाचना जाने आंगन टेढ़ा। यू नो टेढ़ा? आई नो टेढ़ा, रोज आपका मुंह देखता हूँ, मेरे को पता नहीं होगा टेढ़ा क्या होता ये ना। चुप कर बिट्टू भाई, चुप करो, इसके मुंह के बारे में कुछ मत बोलो। अरे वो तो क्या है, बोतल को एक ही साइड से खोल खोल के इसका मुंह ऐसा टेढ़ा हो गया। वरना जवानी में मैंने इसे देखा है, हाय हाय, इससे भी गंदी लगती थी। तू तो जवानी में कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ से याद आया इरफान, मेरा बच्चा, तू शादी क्यों नहीं कर रहा है? कब करेगा? ले 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 ले। बोल। अभी थोड़ा वक्त है। अच्छा। ना ना, इनसे पूछने का कोई मतलब नहीं है, मैं बता रही हूँ डॉली से, मौका भी है और दस्त भी। अबे दस्तूर। थोड़ा पेट खराब है मेरा, इसलिए मुंह से निकल गया। मौका भी है और दस्तूर भी, तो आज हम यहाँ पे इरफान का स्वयंवर करवा देते हैं। सच? क्यों इरफान हो जाए? ठीक है, मेरे इरफान के लिए लड़की मैं पसंद करूंगी। ओके, आइडिया मैंने दिया, लड़की मैं पसंद करूंगी, आइडिया किसका है? दोनों एक एक लड़की पकड़ दो ना, तो हम लोग देख लेंगे कौन सी अच्छी लगती है। हाँ, इसके लिए दो लड़की चूज करनी है। मेरी वाली लड़की
जी देख ले, मुझे पता नहीं है इसमें, अभी अभी मुझे पता है, सुबह 4 बजे उठती है ये। माफ करना इरफान को, दुल्हन चाहिए मुर्गी नहीं। इसके बांग से उड़ जाए। मेरी वाली देख कितनी शोनी है। And for your kind information, इसके गले में सरस्वती है। ये अच्छा गाती भी है। बेटी जरा गा के सुना। हाँ तो इरफान को दुल्हन चाहिए, कोई हल्का याग्निक नहीं। चल चल गा के सुना। चल। यही डूबे दिल मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, इश्क़ को भावे गलियां तेरी गलियां। गाओ लो गाओ। अब आपकी बारी, आप भी गाइए, डुएट गाओ साथ में। ये गाना मुझे आता नहीं, मैं सुन रहा हूँ। मैं गाऊँ आपके साथ? तू गाएगी तो इसका दुनिया डूब ही जाएगा। दादी ज्यादा वो प्रेशर मत लगा, दस्त है, रायता फैला देगी। गलियां गलियां तेरी गलियां। तेरी गलियों में कूड़ा ज्यादा था। दादी नाला साफ करके पहले। दादी तेरी वाली गाती है, उसकी वाली भी गा रही है। बस गाने गाने हो गया। मेरी वाली तो डांस भी कर सकती है ना। डांस दोनों करके दिखाया, आ जाओ डांस हो जाए। दिखाएगी मेरी वाली भी, दिखाई डांस। चल मेरी वाली भी दिखाएगी डांस। चलो दोनों साथ में कर ले। आप भी आ जाओ। मैं तो देख यूसुफ, तू क्या मुगले आजम है, बैठ के देखेगा वहाँ बैठा है ऐसे यहाँ। अरे भाई के लिए लड़की ढूंढ रहे, तू आ, वो आ ना, कुछ तो बोल, बेशरम अपना करके बैठ गए। चलो
अच्छी बजाई घंटी। तो मैं यार इसमें पक्का समझू बेटा, आप जल्दी डिसाइड कर लो वरना मेरी एक बेटी है पलक। बेटा अब तू जल्दी से हाँ बोल दे, पलक को देख लेगा तो शादी पे से विश्वास उड़ जाएगा तेरा। जल्दी हाँ बोल। मैं देख रहा हूँ पहली बार उसकी हंसी बंद हो गई है, वही हंस रहा है बिल्कुल। ये शादी के जब बात आती ना सबकी बोलती बंद हो जाती है। कुछ दिनों पहले मेरी भी बंद थी, इसकी बहुत तेज चालू। मैं तो कहती हूँ बुड्ढन, ये इरफान इतना टाइम ले रहा है, मुझे लगता है लड़कियों ने वो आग नहीं है जो हम में है। चलो बच्ची आप लोग एक काम करो, जाओ डांस अच्छा प्रैक्टिस करके आना, अगली बार किसी और के साथ करवा देंगे। अच्छा थैंक यू गर्ल, नो हार्ड फीलिंग्स। ऐसे जवान लौंडे को लुभाने के लिए डांस कैसा होता है देखो, अब नहीं बजाएगा तो मैं बजाऊंगी। 'रफान, थैंक यू सो मच, आप कॉमेडी नाइट्स में आए और उम्मीद है कि आपने मजा किया होगा, और सो सॉरी फॉर दैट। हमको भी बड़ा मजा।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.